assalamu alaikum my dear students hope you all are well and fine my dear students open page number 67 of your english book and we are reading the letter u what we are reading we are reading the letter u yesterday we read an ugly unhappy uniform umbrella aaj hum yahan se padhenge, यू इज़ फॉर यूटेंसिल्स यू इज़ फ़ार यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स हम उन बर्तनों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने किचन्स में करते हैं खाना बनाने के लिए खाना खाने के लिए सब्ज़ी काटने के लिए यानी वो सारे बर्तन जिनका इस्तेमाल हम अपने किचन में करते हैं उनको हम यूटेंसिल्स कहते हैं ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल नाइफ़ पीलर प्लेट कुकर यूटेंसिल्स हम किन को, को कहते हैं यूटेंसिल्स हम उन सारे बर्तन को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने किचन में करते हैं ओके वेरी गुड देयर आर मनी यूटेंसिल्स इन आवर किचन देयर आर मनी यूटेंसिल्स इन आवर किचन माई यूटेंसिल्स इन द किचन माई यूटेंसिल्स इन द किचन यू इज फॉर अप यू इज फॉर अपर अप मीन्स ऊपर

मैंने पेन को हायर पोजीशन में रखा और मैंने इसको अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड रखा है ना वेरी गुड आपको हम उर्दू में ऊपर कहते हैं क्या कहते हैं ऊपर यानी इंटन हायर पोजिशन अपवर्ड पोजिशन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड वेरी गुड गीता पुटा पे फ्लैग गीता पुटा पे फ्लैग माई मादर पिकड़ा पै प्लेट माई मादर पिकड़ा पे प्लेट यू इज फॉर अंकल यू इज फॉर अंकल अंकल हम पेरेंट्स के ब्रदर को कहते हैं चाहे वो हमारे मामा का ब्रदर हो या हमारे पापा का ब्रदर उन दोनों को हम अंकल कहते हैं यानी हम चचा को भी अंकल कहते हैं और मामू को भी अंकल कहते हैं ओके यानी हमारे पेरेंट्स के चाहे माँ का ब्रदर हो या पापा का ब्रदर हो उनको हम अंकल कहते हैं वेरी गुड माय अंकल इज फ्रेंडली टू मी माय अंकल इज फ्रेंडली टू मी माय अंकल गेव मी अ बुक माय अंकल गेव मी अ बुक यू इज फॉर अंडर u is for under under means नीचे under means नीचे lower position under means lower position देखिए यहाँ पे पेन है क्या है पेन मैं इसके ऊपर इस तरह बुक रखूंगी तो मैं क्या बोलूंगी फिर द बुक द पेन इज अंडर द बुक द पेन इज अंडर द बुक देखिए जो पेन है इसके ऊपर मैंने बुक रखी अब मैं बोलूंगी द पेन इज अंडर द बुक अंडर मीन्स नीचे वेरी गुड द बैग इज अंडर द टेबल द बैग इज अंडर द टेबल द कैट सेट अंडर अ ट्री द कैट सेट अंडर अ ट्री यू इज फॉर अंट आई डी यू इज फॉर अंट आई डी अंटी मीन्स नॉट नीट नॉट क्लीन यानी जो साफ ना हो उसको हम अनटाइडी कहते हैं क्या कहते हैं अनटाइडी या जो डिसऑर्गनाइज हो उसको भी हम अनटाइडेड कहते हैं अनटाइडी कहते हैं यानी जो तरतीब में न रखा गया हो उसको भी हम अनटाइडी कहते हैं और जो साफ ना हो उसको भी हम अनटाइडी कहते हैं ओके वेरी गुड Mary's house is very untidy, Mary's house is very untidy, her clothes wire in an untidy heap, her clothes wire in an untidy heap. Shukriya, Allah Hafiz O